से क्लच दबाएंगे, नीज मूव करेंगे आगे की तरफ, और जब रिलीज करेंगे तो पीछे की तरफ नीज मूव करेंगे, ठीक है। तो अगर आप ऐसे ऐसे करेंगे तो आपकी कोई भी पेन। सो हेलो गाइस, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं ड्राइव विद अंकित। सो गाइस, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है उसमें हम जानेंगे कि होता क्या, बहुत बारी हमें प्रॉब्लम आती है जब हम अपना लेफ्ट फुट से क्लच प्रेस करते हैं, और अगर स्पेशली ना कहीं हम अगर जाम में फंस जाते हैं, या मान लीजिए लॉन्ग ड्राइविंग कर रहे हैं और वो ट्रैफिक के बीच की है, ठीक है, तो हमें बहुत ज़्यादा क्लच प्रेस करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। बिना क्लच प्रेस किए हमारी गाड़ी चल नहीं सकती है, और जाम में आप जानते हैं कितनी बार आपको बार बार क्लच प्रेस करना रहता है। तो उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम क्या आती है कि हमारे लोअर एंकल में कभी कभी देखिएगा आप दर्द फील होता है, या लेफ्ट पूरे लेग में ही दर्द फील होता है किसी किसी को, या आपके घुटने या नीज में आपको दर्द फील होता है, ठीक है। और ये मोस्ट प्रॉब्ली आपको लेफ्ट लेग में ही फील होता है, ठीक है। राइट से तो मान लीजिए इतना आराम से रहता है, एक्सेलेरेटर और ब्रेक दो चीज कंट्रोल करते हैं, बट उसमें इतना एफर्ट नहीं लगता, इसकी वजह से राइट फुट में हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। बट लेफ्ट में क्यों दिक्कत होती है, क्योंकि हम क्लच बहुत ज्यादा प्रेस करते हैं, और किसी किसी गाड़ियों में ना अगर क्लच हार्ड है तो ये प्रॉब्लम और ज्यादा होती है, ठीक है। मान लीजिए और ज्यादा प्रेस करना पड़ रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से होता क्या है कि हमें और पेन फील होता है अपने लेग में। तो हम इस पेन से कैसे बच सकते हैं, क्या हमें ट्रिक यूज करनी है जिसकी वजह से हमारा जो पेन है वो कम से कम हो या ना हो, ठीक है, अपनी ड्राइविंग को कैसे सुधार सकते हैं, और साथ ही साथ अपना पेन कैसे कम कर सकते हैं लेफ्ट लेग में जिससे हम क्लच कंट्रोल करेंगे, ठीक है। और एक ये सब्सक्राइबर है, उन्होंने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, इसका कमेंट पढ़ के मैंने ये वीडियो बनाया है। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो और दिखाता हूँ आपको पूरा कि कैसे हम क्या क्या गलती करते हैं जिसकी वजह से हमें दर्द फील होता है और हमें वो नहीं करनी है, ताकि हमें दर्द ना हो और हम आराम से अपनी ड्राइविंग कर पाएं। सो गाइस, अभी देखिए हम आ गए हैं गाड़ी के अंदर। तो आपको ध्यान क्या देना है, पहली बात तो कि अगर आपका क्लच आपको लगता है कि यहाँ हार्ड है बहुत ज़्यादा, ठीक है, आपका क्लच बहुत ही लाइट होना चाहिए, और अब जो गाड़ियाँ आ रही हैं उनका क्लच बहुत ही ज़्यादा लाइट मिलता है, ठीक है, आपको कोई भी ज़्यादा इतना एफर्ट नहीं लगाना पड़ता दबाने में। और अगर आपको लग रहा है कि हाँ आपका क्लच बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहा है, तो आप एक बार किसी मैकेनिक को दिखा सकते हैं, हो सकता है शायद आपकी क्लच प्लेट में या किसी क्लच पार्ट रिलेटेड में प्रॉब्लम है, आप उसे दूर करा सकते हैं ताकि आपका क्लच जो है वो बिल्कुल लाइट हो जाए, बिल्कुल हल्का हो जाए। और उसके बाद देखिए, बहुत लोग देखा क्या है, मैंने वो ऐसे चलाते हैं, ठीक है, रख के देखिए ऐसे ऐसे वो अपना लेफ्ट वाला फुट रखते हैं और यहीं से ऐसे ही दबाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ऐसे ही दबाते हैं, ये देखिए मान लीजिए ऐसे दबाया, और फिर जब वापस आता है तो वो ऐसे ही आता है। तो इसमें होता क्या है कि हमारा नीज जो इतना ज़्यादा बेंड हो जाता है कि हमें पेन फील होने लगता है अपने फुट में, ठीक है, आप यहीं से दबाएंगे और यहीं से फिर ऐसे करने लगते हैं, ठीक है, तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है, आपको ये ऐसे एंगल नहीं बनाना है, ठीक है, आप ऐसे एंगल बनाएंगे ना तो आपको दर्द करेगा। आप देखिए एक बार ट्राई करिएगा कि अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पेन फील होगा, तो आप कभी भी ऐसे क्लच नहीं ऑपरेट करेंगे, ठीक है, आप सिंपली क्या करेंगे, क्लच के ऊपर फुट रखेंगे और अपनी नीज जो है वो मूव करते जाएंगे आगे की तरफ, ये देखिएगा आपको दबाना है, आपने ऐसे मूव करा, ठीक है, आप पीछे आ रहे हैं, आप पीछे मूव कर लीजिए, ठीक है। अगर आप ये चीज़ देखिए, फिर से देखिए, अगर आप ऐसे मूव करेंगे ना तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको कोई भी पेन फील नहीं होगा अपने लोअर फुट में, ठीक है। अभी देखिए फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि हम करते कैसे हैं, कि मान लीजिए हमने ऐसे यहीं से दबाया और फिर यहीं से ऐसे छोड़ने लगते हैं, तो इस वजह से जो ये जो एंगल बनता है नीचे के बनने से हमें पेन फील होगा ही, ऐसी बात है कि हमें नीचे पेन फील होगा अपनी नीज में, तो आपको ये कभी भी नहीं करना है। जैसे मैंने बताया आप वैसे करेंगे, सिंपली आप देखिए अपनी नीज भी मूव करते जाएंगे, जैसे क्लच दबाएंगे नीज मूव करेंगे आगे की तरफ, और जब रिलीज करेंगे तो पीछे की तरफ नीज मूव करेंगे, ठीक है। तो अगर आप ऐसे ऐसे करेंगे तो आपकी कोई भी पेन नहीं होगा। और अगर आपको लग रहा है थोड़ी दिक्कत आ रही है, आप थोड़ा देखिए नीज ना मैंने उठा लेता हूँ, ये देखिए हल्का सा उठाया और फिर आके यहाँ पे रेस्ट की पोजिशन में आ गए। अगर आप इस तरह से ड्राइव करेंगे, चाहे आप जाम में भी ड्राइव करें, थोड़ा ट्रैफिक में भी ज़्यादा ड्राइव करें, आपको क्लच बहुत ज़्यादा दबाना पड़े लेकिन आपको पेन नहीं फील होगा अपने लोअर फीट में, ठीक है। तो ये चीज़ आप अप्लाई करेंगे ताकि आपको पेन ना फील हो। और उसके बाद फिर देखिए प्रॉब्लम आती, होता क्या कि हमें ये घुटनों में, इस तरफ घुटनों में हमें पेन फील होता है। अब घुटनों में क्यों पेन फील होता है, ये पेन फील होता है आपकी सिटिंग पोजिशन अच्छे से नहीं होने की वजह से। अगर आपकी सिटिंग पोजीशन अच्छी नहीं है, ठीक है, अगर आपने अपनी सीट साइड से एडजस्ट नहीं कर रखी है तो आपको ये पेन फील होगा, ठीक है। आपके पास प्रॉपर जगह होनी चाहिए, ये देखिए मूवमेंट के लिए, देखिए ये देखिए अगर मैं क्लच में मूव कर रहा हूँ तो आराम से देखिए मूवमेंट होना चाहिए। आप ऐसा ना करें कि आपने बहुत ज़्यादा सीट आगे कर ली है, ठीक है, आपने एडजस्ट अपनी सिटिंग बहुत ज़्यादा आगे कर ली है, जिसकी वजह से अब हो क्या रहा है कि आपके पास मूवमेंट करने के लिए, यहाँ घुटना का मूवमेंट करने के लिए आपके पास जगह नहीं है, और यहाँ पर घुटना टकरा रहा है, या मान लीजिए कोई प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से हमारा पैर पूरा फोल्ड और अनफोल्ड नहीं हो पा रहा है जितना उसे होना चाहिए। तो अगर ये दिक्कत रहेगी तो आपको यहाँ पे भी पेन फील होगा, इस जगह पेन फील होगा, ठीक है। तो आप ऐसा करिए कि अपनी सिटिंग पोजीशन बहुत ही अच्छे से सेट कर लीजिए,
जिसके बाद होगा क्या कि अगर आप सिटिंग पोजीशन बहुत अच्छे से सेट कर लेंगे ना, तो आपको देखिए मूवमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी, आप आराम से ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अगर आपका लेग का मूवमेंट सही से होगा तो आपको कोई भी पेन या दर्द नहीं फील होगा, ठीक है। सो गाइस, ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे आपको अपने लेफ्ट लेग के पेन से छुटकारा पाना है ड्राइविंग करते टाइम। अगर आप करते हैं या लॉन्ग ड्राइविंग करते हैं, मान लीजिए ट्रैफिक में ड्राइव करते हैं, तो आप मेरे बताए हुए ट्रिक्स अगर अप्लाई करेंगे तो आपको पेन जो है वो बहुत ज़्यादा कम फील होगा या मान लीजिए ना के बराबर फील होगा, ठीक है। सो गाइस, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट इसी वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।